तो हमें तो सबसे पहले सिखाया गया तवाज़ो। क्या सिखाया गया? हम नहीं बने, मैं नहीं कह रहा कि हम कोई मुतवाज़े हैं, हमारी बुराइयाँ हमें पता है, अल्लाह को भी पता है, अल्लाह को तो हमसे भी ज़्यादा पता होंगी। लेकिन जो टूटी फूटी अगर अल्लाह मुझसे कोई खैर का काम ले रहा है तो उसकी वजह क्या है? हम 18 साल की उम्र में एक बुजुर्ग के हाथ पे जाके बैत हो गए, ऐसे ही नहीं जल्दबाजी में, बल्कि पहले हमने उन बुजुर्ग की किताबें पढ़ी, उनकी अमली जिंदगी देखी, देखा कि खुद शरीयत को कितना फॉलो करते हैं, उनके बयानात में गए, तो गालिब गुमान हो गया कि भाई ये वाकई क्या है? अल्लाह वाले। उन्होंने 20 साल बुखारी पढ़ाई मदरसे में, तो पता चल भाई इनके पास इल्म भी है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाई हैं मदारिस में, कई कई साल फतवे का काम किया, रिसर्च भी है और अल्लाह वाले भी हैं। दुनिया की मोहब्बत उनके पास बैठ के खत्म हो। हमारे हजरत हमें जिक्र बताते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, 200 दफा ना हम रात को उठ के ला इलाहा इल्लल्लाह की जरबे लगानी है। ला इलाहा में तसव्वुर दिल से अल्लाह के सिवा सब कुछ निकल रहा है, इल्लल्लाह का मतलब सिर्फ कौन? अल्लाह। तो बड़ा फायदा होता है इससे, बार 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 बार, तो ऐसा एक अजीब इंसान का दिल बनना शुरू होता है, अल्लाह की मोहब्बत पैदा होना शुरू होती है। बहश्ती जेवर में हजरत मौलाना शरफी थानवी ने लिखा है ना, किसी शेख व मुर्शिद की सही अलामत क्या है? कि उसके पास बैठ के दुनिया की मोहब्बत ख़त्म हो। अगर वहाँ बैठ के गाड़ियों की और दुनिया की मोहब्बत लेके जाते हो तो इसका मतलब ये खुद ही बुजुर्ग नहीं है। मोहब्बत क्या होनी चाहिए? ख़त्म। ये पहली अलामत है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं।